हेलो जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए बना रहा हूँ, और हो सकता है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ बात बताऊँ उसमें से आपको कुछ बुरी लगे। चीज़ों को अगर आपको मन से नहीं समझना है, अगर आपको चीज़ें ध्यान से देखनी नहीं है, आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हो। क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको झूठी ऊँटी बातों से ऐसे ही खुश करता रहूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, चीज़ों को सरलता में वैसे बताता रहूँ, मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं। अगर मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो बना के बता रहा हूँ तो उसका कुछ रिजल्ट भी निकलना चाहिए, ठीक है? या कोई भी और भी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा था, उनका सिर्फ उद्देश्य यही नहीं होता कि लोग मुझे देखें, मुझे फॉलो करें, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होता। मेरा तो नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ और कुछ मतलब ऐसा ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आपने गलती अभी से आपकी नहीं सुधारी तो आगे जाके आपको फायदा हो, ठीक है? कम से कम जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, बस आपकी एक कमेंट आ जाएगी, हो सकता है पर्सनली शायद बात भी हो जाए, आप बता देंगे हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें बहुत अच्छी खुशी होगी, लेकिन बाकी का जो भी लाभ होगा पूरी जीवन का वो आपको ही होगा, ठीक है? तो जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एक बिल्कुल अपने खास भाई बहन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ों को मन से समझिए। देखिए, हम बात करें यू पुलिस की नई वैकेंसी आएगी उसके ऊपर, बात सबसे पहले ये है, जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, और कई बार आपने ये भी सुना होगा कंपटीशन बहुत होगा इस वैकेंसी में, और मैं भी कह रहा हूँ कि वैकेंसी में कंपटीशन बहुत होगा, लेकिन तैयारी करने वाले फिर कैसे कम हो गए? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ क्वेश्चन डालते रहता हूँ, वहाँ आप स्क्रीनशॉट देख भी सकते हो, तो वहाँ क्या होता है, और ये मेरे ही साथ नहीं होता, और भी चैनल पर जहाँ भी आप देख सकते हो, मतलब ज़्यादातर संख्या में ऐसा होता है कि जहाँ भीड़ होती है ना, यानी कि जहां भीड़ में, यानी कि ये जो मैं कोई प्रश्न डाला उसमें मैंने चार ऑप्शन डाले, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ऑप्शन टिक हो रहा होगा ना, तो सब फिर उसी पर टिक करते जाएंगे, चाहे वो गलत है या सही है, बस ये देख लेते हैं कि हमने सही पर टिक किया। आप एक बात बताइए, मुझे तो उसमें किसी का नाम भी नहीं पता चल रहा, किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल रही, तो ये आप दिखा क्या रहे हो, उससे आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, अपना जीवन बर्बाद कर लोगे इस तरीके से। तो इस चीज से पता चल रहा है, अगर किसी प्रश्न का जो गलत आंसर है वो सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि सबसे ज्यादा लोग अभी अच्छे तरीके से तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो बहुत कम है जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, ये झूठी तैयारी करने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। झूठी तैयारी तो हुई, आप भीड़ को देख करके उसमें आंसर दे रहे हैं, अरे आपने उस पर टिक लगाया, आपने उस पर टिक लगाया, वो आपका प्रश्न गलत है, उसको गूगल सर्च करिए, उसका आंसर कुछ और है, कमेंट पढ़ लिया करिए, कुछ भाई बहन ऐसे हैं उसको कमेंट में भी आंसर सही दे देते हैं लिखकर, कभी कभी मैं भी कमेंट पन कर देता हूँ, आपको लगा कि हमारा प्रश्न सही है तो ठीक है छोड़िए सही है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, अपनी बुक में पढ़ लीजिए, और उस प्रश्न को उत्तर को उस प्रश्न के उत्तर का अगर आपने बुक में तुरंत अभी पढ़ लिया, गूगल सर्च कर लिया ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ उस प्रश्न के उत्तर को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उससे आपको ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप भीड़ को देख करके उस पर प्रश्न पर टिक लगाई जा रहे हैं, और ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ का यही सिस्टम रहता है पेपर में। बहुत सारे जात आपको पता है कि लगभग किसी भी वैकेंसी, मतलब कोई कितनी वैकेंसी, उसमें 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो क्या 30-35 लाख तैयारी करने वाले होते हैं? नहीं, कुछ लाख ऐसे तैयारी करने वाले होते हैं जो मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, उनमें भी कुछ हजार में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली से जो मतलब सीरियस तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से भीड़ में मत रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए, झूठी तैयारी से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिर्फ अपने आप को अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ मैं उनसे कह रहा हूँ, जो मन से तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कुछ भी नहीं कह रहा, वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो करते रहिए, और जो इस तरीके से कर रहे हैं मैं उनको भी बहुत अच्छे प्यार से समझा रहा हूँ, देखिए इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, आप भले ही भीड़ में शामिल हो जाइए लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने जो आंसर दिया है उसे वो चीज़ें सारी पता है, सीरियसली पता है, उसने वो चीज़ पढ़ी है, उसने तब आंसर दिया। गलत हो रहा है होने दीजिए उसको, यानी कि आप एक बात बताइए, गलत हमसे कोई प्रश्न हो रहा है तो क्या हमने मतलब सारी चीज़ें पेट से सीखी हैं? हम आगे चल के तैयारी करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तभी तो सही प्रश्न कर पाते हैं, जो यहाँ सही प्रश्न कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं तैयारी करके सीखे हैं, तो आप चीज़ों को गलत करने के बाद उनको सीखिए कहाँ कहाँ गलती हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसी होती है। अब आपको मैं बताऊँ कि आपको पता है पैट एग्जाम अभी हुआ है ना, पैट एग्जाम में धज्जियाँ उड़ गई अच्छे अच्छों की, आपने देख लिया होगा किस लेवल का पेपर आया, पेपर की कुछ पता नहीं चल रहा कब कैसा पेपर आ जाए, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट ही अच्छे तरीके से मतलब जो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे ना, तो उससे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और ये जो वैकेंसी मैंने आपको लिखी है ना, ये वैकेंसी अब दोबारा इतनी देखने को मिलेंगी नहीं आपको कभी भी, जब तक आपकी वो जो एज रहेगी ना तब तक तो आप कभी देखने को मिल नहीं सकती।
पैट का एग्जाम तो आपका होगा, पैट की तरह ही आपके साथ इन बाकी एग्जाम नहीं हो जाए, इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपके ऊपर है ही, एसएससी जीडी की वैकेंसी नई आपको पता है कि उसका अनाउंसमेंट हो ही चुका है, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक बताऊं, तो आप पूजा पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तो ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों में है, इसमें 1800 प्लस प्रश्न इसमें दिए गए हैं, और इसमें जो चैप्टर दिया गया है ना, प्रत्येक चैप्टर के बाद, जैसे ये कोई भी चैप्टर दिया उसके बाद जो इसमें प्रैक्टिस के लिए पेपर दिए गए ना, वो टोटल प्रश्न, वो टोटल प्रश्न इसमें पीवाईक्यू दिए गए हैं, यानी कि वो रेलवे के आए हुए हों या एसएससी जीडी के या दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस किसी भी स्टेट के, यानी कि जो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए गए हैं वो पीवाईक्यू दिए गए हैं। सबसे बढ़िया काम इन्होंने ये किया है, उससे अंदाजा हो जाएगा आपको कि किस तरीके से कैसे प्रश्न आते हैं, और इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, यानी कि ज़्यादा मटेरियल नहीं, इसलिए बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सभी टॉपिक इसमें दिए गए हैं आपको रीजनिंग के। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर के इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब बात यह है कि रटना नहीं है, समझना है। देखिए मैं यहां बता रहा था, वही वाली बात आ गई, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा, आपने कोई भी, यानी कि मान के चलिए कि आपने पर्यावरण पढ़ा, ठीक है, यानी कि पर्यावरण पढ़ा, और उसमें पढ़ा आपने इकोसिस्टम, ठीक है, उसमें पढ़ा आपने इकोसिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो इकोसिस्टम किस तरीके से क्या क्या होता है, क्यों होता है, कहां कहां होता है, कितनी परसेंटेज कहां पर है, कितनी ऊर्जा कहां कहां से कैसे कैसे जाती है, वो सारी चीज़ों का आपको रटना नहीं है, पढ़ना है। आपने भूकंप पढ़ा, आपने मैथ पढ़ा, आपने परसेंटेज पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आपने कैलेंडर पढ़ा रीजनिंग में, तो उन चीज़ों को रटना नहीं है कि इसका प्रश्न ये होगा, इसका प्रश्न ये होगा, इसका प्रश्न का आंसर जो ये होगा, तो इस तरीके से नहीं, आपको चीज़ों को समझना। जब हम चीज़ों को रटते हैं तो उनको भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और हम चीज़ों को समझते हैं तो उनको भूलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, तो इस तरीके से आपको ये तैयारी करनी है। अगर मेरी वीडियो में किसी भी भाई बहन को कोई भी मेरी बात बुरी लगी उससे मैं माफी चाहता हूं, आप ये बात बताइए, मैं इतनी चीजें बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें समझा रहा हूं, इनसे मेरा सिलेक्शन होगा क्या? मेरा तो हो गया, आप भले तैयारी करिए या मत करिए, इन चीज़ों से मैं आपसे बस यही बता रहा हूँ कि आपने अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो देखिए आप और हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास परिवार के लोग ही हैं हम ऐसे, मतलब एक बड़े घर के करोड़पति के उस घर में पैदा नहीं हुए जो हमें इस वैकेंसी को देखा। अगर हम इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है हम एक मतलब नॉर्मल फैमिली से ही हैं, तो उससे बढ़िया ये है कि फालतू चीज़ों को तैयारी करने से एक अच्छे तरीके से मन से तैयारी करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसलिए मैंने आपको बताई हैं, और भी आपको कोई डाउट हो आप सभी मेरे भाई बहन हैं, आपको पूरी कोशिश करता हूं कोई भी आपका डाउट रहता है मैं बताने की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, वहां मुझसे पूछिए, जैसे भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप, मैं यहां आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप हमारी वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहां भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।